हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद हक सिस्टर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएम टू ट्रैम इन मर्ड टाइम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम बेहद ही खूबसूरत पोएम है और फ्रॉस्ट ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस पोएम के थ्रू ये समझाया है कि एक काम को करने के लिए किन किन इमोशंस की ज़रूरत होती। सो स्टे विथ मी टिल द एंड एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन अगर आपको मेरी नोट्स पसंद आई तो। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। टू ट्रैम इन द मर्ड टाइम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू ट्रैम इन द मर्ड टाइम 6 अक्टूबर 1934 में पब्लिश हुई थी सैटरडे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। गाइस ये मैगजीन है और 6 अक्टूबर 1936 में फर्दर रेंज में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में फ्रॉस्ट ने हाईलाइट किया मैनुअल लेबर के इज्जत को। हम लोगों को पोएम के टाइटल से पता चल जाएगा कि ये पोएम किसके बारे में है। जैसे कि टाइटल है टू ट्रैम इन मर्ड टाइम। गाइस टू ट्रैम का मतलब दो बेगारी अजनबी जो कि जगह से जगह ट्रैवल करते हैं और मर्ड टाइम का मतलब है जो मौसम ठंड और गर्मी का बीच का रहता है उसे हम लोग मर्ड टाइम कहते हैं। तो इस होल पोएम का मतलब दो अजनबी उस मर्ड टाइम के बीच। इस पोएम में पोएट ने छोटे से ड्रामा को क्रिएट किया है हम लोगों की अटेंशन को दो स्ट्रेंजर्स मींस दो अजनबी जो कि बेगारी लकड़हारे थे जो कि लालच भरी नज़रों से पोएट को देख रहे थे लकड़ी काटते। ये पोएम संपत्ति काम और टास्क में बेस्ड है। पोएट अपनी लाइफ की फिलॉसफी को दिखाते हैं जब वो दो स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं। पोएट उन दोनों को अजनबी बुलाते हैं और फिर अपने लकड़ी काटने वाले टास्क को कंटिन्यू रखते हैं बजाय उन दोनों अजनबी से बात करने को। पोएम बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हुई है जो कि 9th स्टैंजर में बटी हुई है। पोएट ने इस पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। इस पोएम के लाइन राइमिंग स्कीम से बंधी हुई है विथ अ राइमिंग स्कीम ऑफ ABABCDCD। इस पोएम में पोएट फोकस किए हम लोगों की अटेंशन को एक इंसान को अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने कीमती समय को उस चीज़ पर बिताना चाहिए जिससे हम लोगों के दिल को खुशी मिले। पोएट के केस में जब दो लखड़हारे मीन्स जब दो अजनबी उनके पास आए उस टाइम पोएट अपनी खुशी के पीछे भाग रहे थे ताकि वो अपने आत्मा को शांति दे सके। इस पोएम में पोएट दो चीज़ों के बीच डिस्टिंक्शन किए प्लेजरेबल हॉबी और नेसेसिटी ऑफ वर्क दैट मीन्स काम करने की खुशी और काम करने की ज़रूरत। पोएट के हिसाब से एक काम के प्रति प्यार और एक काम के प्रति ज़रूरत जब दोनों एक हो जाए तो वो काम काम ना रहकर सिर्फ खेल बन जाता है। इसलिए काम या तो फ्यूचर को संवारने के लिए किया जाता है या तो दिल की खुशी को पूरा करने के लिए। इस पोएम की ऑटोबायोग्राफिकल टोन है और इस पोएम में पोएट अपने पर्सनालिटी की छानबीन कर रहे हैं और रीडर्स को अपने एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। इस पोएम की शुरुआत में पोएट जो कि अपने फार्म यार्ड में लकड़ी काटने के काम में मगन है और ये करते हुए उन्हें बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि उनके हिसाब से ये करते हुए उनका दिल पूरी खुशी से भर चुका है। ये खुशी सिर्फ चंद पल की थी कि अचानक पोएट दो एक्सपर्ट लकड़हारों को देख कर शर्मा गए। वो दो लकड़हारे की बातें सुनकर पोएट को ऐसा लगा कि जो काम पोएट कर रहे हैं लकड़ी काटने की उस काम को वो दो लकड़हारे काफ़ी अच्छे से कर सकते और उन्हें इस काम की काफ़ी ज़रूरत है। पोएट इस बात से जागरूक थे कि जो काम वो कर रहे थे वो सिर्फ अपनी लगाव के कारण कर रहे थे मगर वो लकड़हारों को इस काम की ज़रूरत थी पैसों के लिए और पोएट को ऐसा लगता है कि ये काम उनको छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो दो लकड़हारों को पैसों की ज़रूरत थी। तो ये थी हमारी पोएम की शॉर्ट एनालिसिस। इसे पढ़ के हम लोगों को थोड़ी पोएम की झलक मिल चुकी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को स्टैंजा वाइज समझने की। आउट ऑफ द मर्ड टू स्ट्रेंजर केम एंड कॉट मी स्प्लिटिंग वुड इन द यार्ड एंड वन ऑफ देम पुट मी ऑफ माई एम बाय हेलिंग चीयरली हिट देम हार्ड। I knew pretty well why he had dropped behind and let the other to go on away. I knew pretty well what he had in mind. He wanted to take my job for pay.
इस पोयम में स्पीकर कह रहे हैं कि एक दिन वो बहुत ही मेहनत से ओक ट्री की लकड़ियों को काट रहे थे, तभी अचानक से दो अजनबी जो बिल्कुल बेगारी लग रहे थे वो उनके सामने आए। पोएट ने उन्हें ट्रैम्प इसलिए कहा है क्योंकि वो दोनों अपने पहनावे से बिल्कुल ही एक लकड़हारे लग रहे थे, एक इंसान जो अपने पेट चलाने के लिए लकड़ी काटता हो। उन दोनों स्ट्रेंजर में एक स्ट्रेंजर ने पोएट को कहा, लकड़ी को कस के मारो। जिस लकड़हारे ने यह बात कही वो अपने साथी के पीछे छुपा हुआ था और पोएट को विश्वास होने लगा कि ये लकड़हारा ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको मेरे से ये काम छीनना है ताकि मैं उसको लकड़ी काटने के पैसे दे सकूं, क्योंकि उस दो लकड़हारे को पैसों की ज़रूरत थी। मगर पोएट ये काम अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे थे। उस टाइम जॉब की बहुत कमी थी, उस टाइम के लोग रोज़ के कामों की खोज में रहते थे। इस पोयम में आगे पोएट शिकायत करते हैं और कहते हैं कि अचानक से वो लकड़हारे जब बोले तो पोएट का निशाना लकड़ी काटते वक्त चुक गया। स्पीकर्समैन पोएट उदास हो गए जब दो लकड़हारे उनके ये अकेले के काम में अपने दखलंदाजी दिए। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग सेकेंड स्टैंजा की ओर। गुड ब्लॉक्स ऑफ ओक इट वॉज आई स्प्लिट एज लार्ज अराउंड एज द chopping block, and every pieces I squarely hit fell splinterless as a cloven rock. The blow that of a life of self-control spares to strike for the common god. That's a day giving a lose my soul I spend on the unimportant wood. इस स्टैंजा में पोएट अपने लकड़ी काटने के हुनर की तारीफ कर रहे हैं। जब दो लकड़हारों ने उनसे ये बात कही तो पोएट को गुस्सा आया। फिर पोएट ने सामना किया वो दो क्रिटिक्स से और अपने लकड़ी काटने के तरीके को साबित किया। पोएट ने कहा वो ओक ट्री की लकड़ी को काट रहे हैं और हर एक लकड़ी का चॉपिंग ब्लॉक जैसा नाप है। पोएट कह रहे हैं उस लकड़ी से कटा हुआ हिस्सा बिल्कुल तराशा हुआ लग रहा हो, मानो कि वो पत्थर का कटा हुआ हिस्सा हो। पोएट कहना चाह रहे हैं उनकी काटने की टेक्निक काफ़ी इनकम्पेरेबल है। आगे की लाइनों में पोएट काफ़ी फिलोसफिकल तरीके से ये कहते हैं कि उनकी हाथों की मूवमेंट उन लकड़ियों को काटने के लिए उनकी लाइफ के ऊपर पोएट के काबू को दर्शाती है। पोएट एक ऐसा काम कर रहे हैं जो भले ही दूसरों की नज़रों में आम हो, मगर पोएट की नज़रिए में ये काम काफ़ी अहम है क्योंकि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त इस काम को दिया है। पोएट कंटिन्यूसली रीज़न देते जा रहे हैं इस काम को करने के लिए। फिर पोएट कहते हैं कि उसने सारे कामों को छोड़कर अपना कीमती वक्त एक ऐसे काम को दिया है जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पोएट अपने वक्त और अपनी ताकत को किसी और चीज़ को करने में भी इस्तेमाल कर सकते थे इस बेकार से काम को छोड़कर, मगर लेटिंग हिज सोल लूज का मतलब ये है कि वो अपने आत्मा को शांति दे रहे हैं इस काम को करके जो उन्हें काफ़ी खुशियाँ दे रही है। तो चलिए मूव करते आगे के स्टैंजर्स की ओर। द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज स्टिल, यू नो हाउ इट इज विद एन अप्रैल डे, व्हेन द सन इज हॉट एंड द विंड इज स्टिल, you are on the month on in the middle of the May, but if you so much as dare to speak, a cloud skim over the sunlit arc, a wind comes off the frozen peak, and you are 2 months back in the middle of the March. इस स्टैंजा में पोएट ने मौसम के मिजाज के बारे में बात की है और मौसम को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। ये एक सुहाना सा गर्म दिन था, यहाँ तक कि थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाओं का भी एहसास हो रहा था। ये महीना अप्रैल का था, इस टाइम मौसम का मिजाज बहुत बदलता हुआ दिखता है। कभी मौसम मई के बीच की लगती और अचानक से मौसम मार्च के बीच में बदल जाती। धूप बहुत चमक रही थी और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और ऐसा लग रहा था गर्मी के दिन आ गए हैं। तो अगर आप हिम्मत करते इस मौसम को गर्मी कहने की, तभी अचानक बादल धूप के चमक को ढक देती और ठंडी हवा चलने लगती बर्फीले पहाड़ों की ऊंचाइयों से, और मौसम जो पहले मई के बीच की लग रही थी वो मौसम मार्च के बीच की लगने लगी। इन शॉर्ट ये सब लाइनों से पोएट ये कहना चाहते हैं चाहे जो भी हालात हो उनको इस काम से इतना लगाव है कि ये काम कभी किसी दूसरे को नहीं देंगे। लेट्स मूव टू द फर्दर स्टैंजर्स। A bluebird comes tenderly up to a light and turns to the wind to unruffle a plume, his song so pitched as not to excite. A single flower as yet to bloom, it is showing a flake and he half knew winter has only plain
bosom, except in the color he isn't blue, but he wouldn't advise a thing to blossom. इस स्टैंजा में भी पोएट स्प्रिंग सीजन के बारे में बता रहे हैं। ठंडी हवाओं की वजह से ब्लू बर्ड आती है और अपने पंखों को शांत और इत्मीनान करती है उस ठंडी हवाओं में और उड़ती फिरती है, ये सोचकर कि ये पतझड़ का मौसम नहीं है। वो बर्ड गाना गाती है और उस गाने की टोन में ना ही तो कोई मिठास होती है, ना ही कोई खुशी। कोई फूल एक्साइटेड होकर खुशियों से खिल जाए, क्योंकि फूलों को खिलने का मौसम अभी तक नहीं आया और ऐसा लग रहा है मानो अभी भी ठंड की मौसम है। ये नेचर सिर्फ नाटक कर रही है ठंड की मौसम होने की, मगर महीने के हिसाब से अभी तक पतझड़ के मौसम की दस्तक हो जानी चाहिए। तो इस स्टैंजा में रियलिटी और अपीयरेंस के फ़र्क को बताया गया है। पोएट कह रहे हैं दो लकड़हारे जिनको पैसों की ज़रूरत थी, वो लोग एक मिजरेबल कंडीशन में थे विंटर के। उसी जगह में पोएट जो अपने आप को गलत फहमी में रखे है कि ये पतझड़ की खूबसूरत मौसम है, मगर असलियत में अभी ठंड की मौसम की रुखसती नहीं है हुई है और पोएट काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपनी सिंपैथी की वजह से। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग फिफ्थ स्टैंजस की ओर। The water for which we may have to look in summer time with a witching wand. In every where rots now a brook, in every print of hoof upon. Be glad of water, but don't forget the lurking frost in the earth beneath. That will steal forth after the sun is set and show on the water its crystal teeth. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि पतझड़ के मौसम के बीच से ही पानी की कमी महसूस होने लगती है और गर्मी आते आते पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इस वक्त हर कोई पानी की तलाश में रहता है अपनी एक जादू की छड़ी के साथ। इन एवरी व्हील रॉट न्यू आर ब्रोक इन एवरी प्रिंट ऑफ होप अपॉन। इस लाइन से पोएट कहते हैं गर्मियों के दिनों में चिलचिलाती हुई धूपों के नीचे कोई भी बहुत खुश हो जाता है जब उसे किसी पहियों की निशान या जानवरों के पंजे की निशान दिखाई देती। उससे लगने लगता है शायद पानी कहीं आसपास है। स्पीकर पानी की मौजूदगी को अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही अपने रीडर्स को एक वार्निंग भी देते हुए कहते हैं कि भले ही हमें दिन के वक्त पानी मिल गए, मगर इस बात को हमें ध्यान रखना है जमी हुई बर्फ अभी भी ज़मीन के अंदर है जो सूरज ढलते ही ये सारी पानियों को चुरा लेगी, मतलब पानी को जमा कर एक नुकीले चट्टान की तरह कर देगी। पोएट काफ़ी फिलोसफिकल तरीके से इंसानों की कंडीशन के हर एक पहलुओं को के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ स्टैंजा। द टाइम व्हेन मोस्ट आई लव माई टास्क द टू मस्ट मेक मी लव इट मोर By coming with what they came to us, you would think I never had felt before. The weight of an axe head poised aloft, the grip of earth and outspread feet, the life of muscles rocking soft and smooth and moist in vernal heat. Sixth stanza mein poet mausamon ki baaton ko chhodkar उन लकड़हारों के मुद्दे पर वापस आते हैं। पोएट को अपने ये लकड़ी काटने का काम काफ़ी पसंद है, मगर दो लकड़हारों के आ जाने के बाद जो कि पोएट को ये विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि पोएट इस काम को अच्छे से नहीं कर सकते और पोएट को ये काम इन दोनों लकड़हारों को दे देनी चाहिए, तब पोएट इस काम को और दिल से करने लगे और पोएट को ये महसूस हुआ ये लकड़ी काटने का काम पोएट ने इतनी लगन से पहले कभी नहीं की और वो इस काम को किसी और को सौंपना नहीं चाहते। जो काम पहले पोएट इतनी लगन के साथ नहीं करते जितनी लगन उनको उस काम में तब लगी जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनको ये काम उनसे छीना जाएगा। अब पोएट रीडर्स के साथ बात करते हैं और रीडर्स को तुम कहकर बुलाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस काम के प्रति मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट कभी भी नहीं थी जो उन्हें आज महसूस हो रही थी। पोएट कहते हैं उन्हें इस कुल्हाड़ी को उठाने में इतनी खुशी कभी नहीं मिली जो उन्हें आज मिल रही है। लकड़ी काटते वक्त उन्होंने इस ज़मीन को अपने पाँव से काफ़ी कस के पकड़ा है। इन लकड़ियों को काटते समय इनकी हाथों की मूवमेंट काफ़ी कोमल है, जैसे कि वो इस मेहनत भरी कामों को दिल से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिल में कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है कि उनका ये काम उनसे छीन लिया जाएगा। Out of the wood to hulking tramps, from sleeping God knows where last night. But not long since in the lumber camps, they thought all chopping was their right.
मैन ऑफ द वुड्स एंड लंबर जैक दे जज मी बाई देयर अप्रोप्रिएट टूल एक्सेप्ट एज फेलो हैंडल एंड एक्स दे हैड नो वे ऑफ नोइंग अ फूल। पोएट अब कहते हैं उन्हें पता है कि ये दो लकड़हारे जंगल के अंदर से आ रहे हैं, मगर पोएट को इस बात का नहीं पता इन्होंने अपनी पिछली रात कहाँ बिताई होगी। मगर पोएट को इस बात की क्लियरिटी थी कि ये दोनों ट्रैम्प्स किसी लंबर कैंप्स में अपनी ज़िंदगी को बसर करते होंगे। लंबर कैंप्स एक तरह की कैंप होती है जहाँ लकड़हारे रहते हैं, और ये कैंप उसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर पेड़ काटने के काम को किया जाता है। आगे की लाइनों में ट्रैम्प्स को लगता है कि लकड़ी काटने का अधिकार सिर्फ उन्हें है, और अगर इस काम को कोई और कर रहा है तो वो काम बेवकूफ़ी का है। दोनों लकड़हारे पोएट को उनकी कुल्हाड़ी पकड़ने के तरीके से उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि स्पीकर कोई प्रोफेशनल लकड़हारे नहीं है। ये दोनों लकड़हारे इंसुलर हैं। इंसुलर मीन्स दूसरों की काम को नीचे नज़रों से देखना, और उन्हें इस लकड़ी काटने की काम की ज़रूरत है, और इसलिए वो पोएट को अनवाइज समझ रहे हैं, क्योंकि पोएट वो काम कर रहे हैं जो कि उनकी ज़रूरत का नहीं है, वो सिर्फ अपने दिल को खुशी करने के लिए काम कर। द थिंग ऑन आइदर साइड वॉज सेड, दे न्यू दे हैड बट टू स्टे देयर स्टे एंड ऑल देयर लॉजिक वुड फील माई हेड एज दैट आई हैड नो राइट टू प्ले With what was an another man's worth for gain, my right might be love, but there was need, and where the two exist in twain, there was the better right agreed. इस स्टैंजा में पोएट फोकस करते हैं कि ये लकड़ी काटने का काम के ऊपर अधिकार किसका ज़्यादा है। स्पीकर और लकड़हारे आपस में कोई बात नहीं करते, और स्पीकर को ऐसा लगता है कि ये लकड़हारे इसलिए कुछ नहीं कह रहे क्योंकि उनकी ज़रूरत की भनक पोएट को लग चुकी है। पोएट को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये लकड़ी काटने के काम वो लोग डिज़र्व करते हैं, और स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है ये लकड़ी काटने का, सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए ये काम जो कोई और किया करते जिनको पैसों की ज़रूरत होती है ताकि वो खुद को ज़िंदा रख सके। हो सकता है पोएट ये काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके दिल को सुकून मिल सके और दिमाग को खुशी, मगर लकड़हारों का इसमें अधिकार ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वे लोग को बहुत ही ज़्यादा इस काम की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए। अगर ये दो अधिकार एक साथ है तो इनमें से उनकी अधिकार ज़्यादा है इस लकड़ी को काटने के लिए, जो अपना पेट चलाने के लिए काम करते हैं, ना कि उनकी जो अपने दिल और दिमाग की खुशी के लिए काम करते हो। तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग लास्ट स्टैंजा की ओर। बट इल्ड हु विल टू देयर सेपरेशन, माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज़ टू यूनाइट माई वोकेशन एंड माई वोकेशन एज माई टू आई Make one insight. Only where love and need are one, and the work is play for moral stake, is the deed ever really done for heaven and the future sake. इस स्टैंजा में पोएट रीडर की अटेंशन को इस बात पर ले जाते हैं कि कौन इस काम से पीछे हटेगा, पोएट या दो लकड़हारे। स्पीकर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी फिलॉसफी काम करने की वो ज़्यादा अच्छी है देन द टू लंबर जैक। पोएट को विश्वास है कि एक काम दो चीज़ से मिलकर बननी चाहिए, एक तो उस काम को लेकर चाहत मीन्स अवोकेशन, और एक उस काम की ज़रूरत मीन्स वोकेशन। बाई कम्बाइनिंग दिस टू एलिमेंट वन टास्क बिकम कम्प्लीट टास्क। पोएट आगे कहते हैं जैसे कि उनकी दो आँखें जो उन्हें एक सीन दिखाती है, उसी तरह एक काम तभी एक काम हो सकता है जब उस काम को लेकर प्यार और उस काम को करने की ज़रूरत एक साथ हो जाए, तभी ये एक काम खेल बन सकता है एक अच्छे परिणाम का। पोएट सोचते हैं कि वो ये एक सामान्य से काम के लिए बहुत ताकत लगा रहे हैं और अपने इस खाली वक्त को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये करते हुए उनकी आत्मा को शांति मिल रही है। पोएट बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो दो एलिमेंट को एक साथ कर सके ताकि वो एक अच्छी लाइफ को डिटरमाइन कर सके। पोएट के हिसाब से आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब हम लोग दो एलिमेंट को मिलाकर एक काम करें, डैट इज़ उस काम की ज़रूरत और उस काम को लेकर प्यार, तभी एक काम काम बन सकता है। पोएट के हिसाब से ये दो लकड़हारों को ये नहीं पता है ये एक फिलोसफिकल कंसेप्ट, वो लोग सिर्फ एक चीज़ को जानते हैं, डैट इज़ किसी काम को लेकर ज़रूरत। वो लोग ये नहीं जानते कि काम को लेकर किस तरह का लगाव होता है, वो लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं। पर पोएट एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं काम के दो एलिमेंट को एक साथ करने की, डैट इज़ लव फॉर वर्क एंड नीड फॉर वर्क।
पोएट कह रहे हैं लास्ट लाइनों में कि हो सकता है भविष्य में ये दो लकड़हारे भी ये वैल्यूबल लेसन ऑफ मर्जिंग लव एंड द नीड ऑफ द वर्क, काम को लेकर प्यार और काम करने की ज़रूरत के लेसन को सीख जाए। तो ये थी हमारी दिल को छू लेने वाली पोएम। भाई मुझे तो ये पोएम काफ़ी पसंद आई। आप लोगों को ये पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।